वेलकम मित्रों, शटडाउन इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन इस वीडियो का। हाउ मेनी हाइड्रो टेस्ट आर रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड ट्यूब सीट टाइप हीट एक्सचेंजर? इसका आंसर है मित्रों, टू टेस्ट, सेल साइड टेस्ट और ट्यूब साइड टेस्ट। इस प्रकार फिक्स्ड ट्यूब सीट टाइप हीट एक्सचेंजर में दो टेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रो टेस्ट आर रिक्वायर्ड इन फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर? यानी कि फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर में कितने प्रकार के हाइड्रो टेस्ट होते हैं? मित्रों, इसका आंसर है थ्री टेस्ट। पहला होता है सेल टेस्ट, दूसरा ट्यूब सीट और तीसरा फाइनल सेल टेस्ट। इस प्रकार तीन टेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लाइंडिंग? ब्लाइंडिंग क्या है? अक्सर हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव आइसोलेशन ऑफ इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग बाय ब्लाइंड्स इज नोन एज ब्लाइंडिंग। यानी कि पॉजिटिव आइसोलेशन जब किसी इक्विपमेंट का किया जाता है ब्लाइंड के सहारे, इसी प्रक्रिया को ब्लाइंडिंग कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द स्टेनर जनरली यूज? सामान्य तौर पे स्टेनर कहाँ फिक्स होते हैं? तो इसका आंसर है मित्रों कि पंप सक्शन के एरिया में, पंप सक्शन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बफिंग? बफिंग क्या होता है? इसका उत्तर है मित्रों, क्लीनिंग द वेल्डिंग ब्लाइंड्स यूजिंग बफिंग मशीन फॉर इंस्पेक्शन इज कॉल्ड बफिंग। यानी कि बफिंग मशीन से जब हम लोग वेल्डिंग ज्वाइंट को क्लीनिंग करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो इस प्रक्रिया को बफिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन व्हिच इक्विपमेंट डोमेस्टर पैड आर फिटेड? यानी कि डोमेस्टर पैड किन किन इक्विपमेंट्स में होते हैं? तो इसका आंसर है वेजल्स और कॉलम में, यानी कि टावर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, बाई व्हिच गैस इम्पैक्ट रिंचेज आर ऑपरेटेड? यानी कि इम्पैक्ट रिंच जो होता है वह किस गैस से ऑपरेट किए जाते हैं? इसका आंसर है मित्रों, बाई एयर, हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वेंटिलेशन इन कॉलम एंड वेजल्स? वेजल्स और कॉलम में किस प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं वेंटिलेशन के लिए? इसका आंसर है मित्रों, एग्जॉस्ट फैन और इजेक्टर वेंटिलेशन के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन टू टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग नेम्स? पाइप फिटिंग के कम से कम दो नाम बताएं। तो इसका आंसर है मित्रों, फ्लैंज हो गया, निपल्स हो गया, एल्बो, रिड्यूसर, कपलिंग, टी, ईटीसी, यानी कि वगैरह वगैरह, इसमें से दो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच मैनवे ए पर्सन इंटर इन ए कॉलम, बॉटम और टॉप मैनवे? यानी कि कोई आदमी कॉलम के अंदर काम करने के लिए किस मैनवे से इंटर करता है, बॉटम मैनवे से कि टॉप मैनवे से? तो इसका आंसर है मित्रों, टॉप मैनवे से इंटर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पी एस बी एंड पी आर बी? पी आर बी और पी एस बी का इंस्पेक्शन क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म, पी एस बी का मतलब प्रेशर सेफ्टी वाल्व और पी आर बी प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हैमर मटेरियल यूज इन रिफाइनरी प्लांट? रिफाइनरी प्लांट में किस मटेरियल का हैमर बना होता है? इसका आंसर है मित्रों, ब्रास का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बफिंग व्हील्स मटेरियल यूज इन रिफाइनरी प्लांट? रिफाइनरी प्लांट में बफिंग व्हील्स किस मटेरियल का बना होता है? इसका भी जवाब है मित्रों, ब्रास का बना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेंशन मेजरिंग टूल्स, यानी कि जिनसे मापा जाता है उस टूल्स के नाम बताना है। तो मेजरिंग टेप हो गया, स्केल, स्पिरिट लेवल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर वगैरह वगैरह सब होता है, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन सम कॉमन टाइप्स ऑफ टूल्स। कॉमन टाइप्स टूल्स का मतलब कि सामान्य तौर पर यूज होने वाले कॉमन टूल्स के नाम बताएं। तो पहला ओपन इंच स्पेनर बोल दीजिए, रिंग स्पेनर बोल दीजिए, कॉम्बिनेशन बोल दीजिए, पाइप रिंच बोल दीजिए, स्क्रू ड्राइवर बोल दीजिए, हैमरिंग स्पेनर, एडजस्टेबल, ईटीसी। तो इस प्रकार इंटरव्यू में छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं
और इन छोटे मोटे सवालों का बड़ा इम्पोर्टेंट है मित्रों। अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। धन्यवाद।